कैसे हो सारे परम नेशन व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप बता रहा हूँ मैं कि मैं दो दिन से वीडियो एक अपना व्लॉग नहीं बना पा रहा था। मेरा इस टाइम मन है कि कंटेंट जो मैं बनाऊँ थोड़ा थोड़ा, चाहे दो तीन दिन गैप लूँ, बट कंटेंट थोड़ा ठीक होना चाहिए गाइस, ठीक है ना। तो दो दिन से मैं अपने व्लॉग्स अपडेट नहीं कर पा रहा था। उस चक्कर ये था कि मेरे बैक पेन थी, थोड़ा सा घर की सेटिंग चेंज कराने के चक्कर में अपना मैं व्लॉग नहीं बना पाया। मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस चीज़ में मैं बेड रेस्ट पे था। और गाइस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने आपको बताया था कि ईयरपोड्स मंगवाए थे मैंने अपने बोट के, आपको शायद मैंने जिसने मेरी ऑक्सीमीटर एंड वीकूल ईयरपोड्स की वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको बताया कि मैंने बोट के ईयरपोड्स मंगवाए थे। तो गाइस मेरा वो ईयरपोड बिल्कुल ठीक नहीं आए हैं। क्रेडिट से मैंने मंगवाए थे, थोड़ा मुझे वहाँ अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने क्रेडिट से मंगवाए थे। उसका मुझे जो मेरा जो ईयरपोड्स है उसकी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैं वो रिप्लेस करवा रहा हूँ गाइस। तो ठीक है, उस चीज़ की तो वीडियो भी थोड़ी देर बाद ही बना पाऊँगा जब वो आएंगे मेरे पास वापसी। तो गाइस आज का व्लॉग कुछ खास ये है कि हम अपना घर में ही हैं, ज़्यादा बाहर निकल नहीं पा रहे, लॉकडाउन अभी नहीं ख़त्म हुआ। तो गाइस बस वही है कि अब घर के ही व्लॉग्स थोड़े थोड़े दिखाऊंगा, नियर बाय कहीं जाते हैं तो वो दिखाऊंगा, कोई मार्केट वार्केट जा रहा हूँ तो वो दिखाएंगे आपको। गाइस रोहिणी का मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कराया, जैसे सेक्टर 9 और 13 मैंने एक्सप्लोर किया, सेक्टर 7 एक्सप्लोर कराया और तिलक नगर एक्सप्लोर कराया। जहाँ जहाँ मेरा चक्कर लग रहा है गाइस मैं आपको वीडियो दिखाता जा रहा हूँ। तो बस अभी फ़िलहाल अभी घर पर हैं, आज का सुबह के बज रहे हैं 12:30। तो गुड आफ्टरनून सबको। और गाइस बस अपनी वीडियो साथ रोज़ रोज़ नई वीडियो डालने कंटेंट सोच रहा हूँ। रात को बैठ के 4:30-5 बजे तक बस सोते हैं, कंटेंट सोचते हैं क्या करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, क्या क्या सोचना है, सब सीख रहा हूँ गाइस। नया है प्लीज़, जो जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरे व्लॉग से उन सबको थैंक्स है गाइस। आप लोग बहुत मोटिवेट करोगे, आगे कर रहोगे, और आगे जो ऑलरेडी जुड़े थे वो काफ़ी कर चुके हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे गाइस। तो गाइस प्लीज़ जुड़े रहना इस तरह से, और आपको रोज़ नई नई मोटिवेट एंटरटेनमेंट वीडियोज़ मिलती रहेंगी गाइस। तो बस अपना देखते हैं आज का क्या स्केड्यूल है, थोड़ी देर में आपसे गाइस मिलते हैं और अपना नीचे जाके देखते हैं कि क्या खाना बनाए। तो खाना खाते हैं तब आपसे मिलते हैं गाइस। गाइस कैसे हो सारे, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और अभी मैं बस थोड़ी देर पहले ही अपना शेव शुप करके आया हूँ, क्योंकि गाइस आपको सबको पता है इस टाइम सैलून सारे बंद हैं तो खुद ही शेव करनी होती है, खुद ही हेयर कट तक मैंने खुद लिया, अपना साइड से सारा ट्रिम करके प्रॉपर हेयर कट एंड बियर्ड कट लिया है फिर से। तो पहले आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोज़ में काफ़ी हैवी हेयर वो थी, बियर्ड थी मेरी, और अब छोटे छोटे मैंने बियर्ड कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई गाइस। और अपना हेयर कट भी मैंने खुद लिया अभी, और क्योंकि सारे सैलून तो बाहर बंद है तो खुद ही करना है तो क्या करते हैं गाइस। गाइस मशरूम दही और रोटी, मुझे मशरूम बहुत पसंद लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मशरूम। तो बस खा के थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। गाइस मैं हो रहा था घर बैठे बैठे थोड़ा सा बोर, और अब सोचा कि चलो अच्छा मौसम है, दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा, और कहा चलो गाइस शाम के बज रहे 5 तो चलो एक अच्छी सी ड्राइव लेके आते हैं, और चलो आपको थोड़ी देर मिलते हैं गाड़ी में। गाड़ी भी मेरी खड़ी रहती है, मैं चलाता ही नहीं। जिस दिन आपके साथ मैंने फर्स्ट अपनी व्लॉग बनाया था उसी दिन चलाई थी, उस दिन से गाड़ी खड़ी है। तो बैठते हैं सीधा, मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर। वेदर देखो यार क्या वेदर है, मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है, और अपना 5 बजे और इतना सुहाना मौसम हो जाए, साथ में चाय और पकौड़े हो जाए तो गाइस बात ही क्या थी। बट अभी हम चल रहे हैं अपनी ड्राइव पे थोड़ा सा। गाइस मैंने आपको दिखाया था नहीं रोहिणी का अपना डीसी चौक, बहुत फेमस जगह है यहाँ की। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा प्रशांत विहार साइड में, थोड़ा काम था रोहिणी की सेक्टर 14, तो वहाँ मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। रोहिणी सेक्टर 9 में गाइस ये बात है, यहाँ पे लोग थोड़ा सा कम निकलते हैं घर से बाहर। मैं जहाँ तिलक नगर गया था वहाँ देखा मैंने बहुत लोग निकल रहे थे बाहर सड़कों से, और सेक्टर 9 में, और मैं जैसे 13-9 का ये डिवाइडिंग रोड है, अब यहाँ से सीधा जाऊँगा लेफ्ट लूँगा तो गाइस प्रशांत विहार सेक्टर 14 स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर भी यहाँ पर फ्रूट्स वाले ज़्यादा खड़े, देखो ये अपार्टमेंट्स की गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी, बट जो है सड़कें थोड़ी थोड़ी फिर भी कम है, खाली है। ये है प्रशांत विहार सेक्टर 14, बहुत
अच्छा एरिया, रोहिणी का मानव एरिया है, काफ़ी पुराना एरिया है और काफ़ी नोन मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे भी रहते हैं। लॉकडाउन के बाद हम सब मिलेंगे आपको और आपसे मिलवाएंगे आपको भी कि कैसे कैसे हम अपना एंटरटेन करते हैं, सब अपना आपस में घूमते फिरते हैं गाइस। तो मिलेंगे आपको, सबको मिलवाऊंगा, जैसे जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल जैसे जैसे मेरा है यहाँ पे रोहिणी में, तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड सर्कल है मेरा यहाँ पे। हमारा प्रशांत विहार का मॉल जिसमें PVR है, ऊपर देख सकते हैं आप, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट सारा कुछ है, बट आज ये शमशान पड़ा है बिल्कुल गाइस। यहाँ मैं फिटनेस प्राइम में आया हूँ जिम करने, अच्छा था जिम काफ़ी। और अपना यूनिटी वन का ये मॉल है फन सिटी, जिसमें PVR ऑलवेज आपको पता ही, जैसे हर PVR पैक्ड रहते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से सारा का सारा मॉल खाली, कोई पार्किंग जोन सारा खाली, सड़कें सारी बंद। तो गाइज ये देख लो क्या हालात है, लॉकडाउन ने काफ़ी लोगों की कमर तोड़ रखी है, रेंट्स निकालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और सारी मार्केट खाली पड़ी गाइज। तो गाइज जितने भी मतलब आपको पूर फैमिली से मिलते हैं गाइज बंदे या फिर पीपल, प्लीज़ उनको हेल्प करा करो गाइज, ये अपना दान करो, ये नहीं कि किसी के सामने पब्लिकली शो करो, हम भी करते हैं बट अपना मेरा वो आदत नहीं है कि किसको सुनाना दिखाना, वो मैं वीडियोस बनाता नहीं, उस तरह की कंटेंट बनाता नहीं। तो गाइज बहुत अच्छा है प्रशांत विहार एरिया, सारी मार्केट खाली पड़ी है फिलहाल अभी तक गाइज, तब तक के लिए देखते हैं गाइज वेदर। देखो गाइज 5:15 हैं और इस टाइम क्या दिल्ली का वेदर है, दिल्ली वाले सबको पता है आज का क्या कैसा वेदर है, सब बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको मानसून, किस किस को पसंद है गाइस। तो देखना गाइस क्या वेदर है, देखो वाह मैन, सेक्टर 913 की ये बात है यार, एरिया बहुत सेक्सी बना रखा है, सारी ग्रीनरी बहुत है, जितने मैंने सेक्टर्स देखे हैं हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा 913 ही है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है गाइस। खुल जा जी नहीं लगता मेरा हुण ते खुल जा, ये रहा गाइस हमारा शराबियों का ठेका जो कि पता नहीं कब खुलेगा, ताले में भी जंग लग गया गाइस अब तो, और शराबियों के गले में सारे सूखे पड़ेंगे लोगों के गले, और जहाँ तक कि मुझे लगता है कितने शराबी सैनिटाइजर को पीना शुरू कर चुके हैं यहाँ पे अल्कोहल समझ के। सब्सक्राइबर मेरे सिर्फ ठेका खुलने की वेट कर रहे हैं गाइस, वो बताना मुझे पहले कि जो चाहते हैं सिर्फ ठेका पहले खुल जाए, चाहे लॉकडाउन खुले ना खुले, वो गाइस ज़रूर बताना मुझे पहले। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सिर्फ आप चाहते हो कि ठेका पहले खुले और लॉकडाउन खुलता है जब मर्जी खुले, है ना गाइस, बता देना ज़रूर मुझे। ये मोर है हमारे यहाँ का बहुत फेमस प्रशांत विहार का, इधर भी कभी रश लगा होता था पूरा, आज एक भी गाड़ी नहीं खड़ी, देख लो गाइस सारा का सारा खाली पड़ा है, क्योंकि लोग अब मॉल्स में आना थोड़ा परहेज करते हैं, होम डिलीवरी बिग बास्केट से या फिर अपना राज मंदिर वाल से भी आजकल घर पे ही ऑर्डर करवा देते हैं। तो गाइस पूरा ही खाली पड़ा है प्रशांत विहार, ये मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं लोकल हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे नो कि क्या रश होता है यहाँ पे, चेयर्स में हम प्रॉपर पार्टी करते रहे पहले, आज वो पूरा खाली पड़ा है चेयर्स, ये गाइस चेयर्स रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और खाली पड़ा आज बिल्कुल सारे गाइस आज। और ये गाइस हमारे सेक्टर 13 की बहुत ही अच्छी मार्केट है, फेमस मार्केट है, बंसीवाला इसके अंदर है, और अपना यहाँ पे तो रश चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ तो रश रहना ही रहना गाइस, पूरी बेकर यहाँ बहुत अच्छा है, जो लोकल हैं उन सबको पता है यहाँ पे। 13 मार्केट के लिए कोई लॉकडाउन नहीं, नो लॉकडाउन मैन, यहाँ पे रश रहना ही रहना, दुकानें खुली हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे तो रश रहते ही रहता गाइस, लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो पूरा भरा रहता। और इस चीज़ के लिए कभी कभार जो चीज़ें नहीं हमें हमारी मार्केट से मिलती वो हम सेक्टर 13 से ही लेने आते हैं, तो काफ़ी अच्छी मार्केट है ये, और हरी भरी मतलब कहते ना क्राउडेड मार्केट है बहुत। गवर्नमेंट वैक्सीन लगवानी है गाइस, जिन जिनको यहाँ पे वैक्सीन लगती है हमारी सेक्टर 13 में, ये कोविड वैक्सीन लगती है यहाँ पे गाइस, सेक्टर 13 का एरिया, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कहाँ पे है, कौन सी अपार्टमेंट के नियर बाय है गाइस, जो रोहिणी के लोकल सब्सक्राइबर है मेरे वो यहाँ पे आके लगवा सकते हैं। गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है और काफ़ी ज़ोर से बारिश चल रही है, और अपना हवाएं भी बहुत तेज़ हो चुकी हैं, बहुत अच्छा वेदर है, बढ़िया वेदर, घर पे रहो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बाहर सड़कों में थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है गाइस, तो इस चीज़ के लिए बाकी वेदर बहुत औसम है। चलो घर चल के पकौड़े और थोड़ा वो खाएं, अपना चाय पीते हैं गाइस, ठीक है। बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है गाइस, देखो कैसे तूफान आंधी चल रही है, इस चीज़ में थोड़ा डर लगता है कि पेड़ वेड़ गिरने का गाड़ियों और घरों के आसपास, तो थोड़ा इस चीज़ के लिए सावधान रहना पड़ता है।
बाकी बहुत तेज बारिश है गाइस। गाइस सेक्टर 9 और 13 जो एरिया है ना, ये सारा आपको अपार्टमेंट एरिया है। यहाँ पे कोई भी फ्लैट, यहाँ से फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं। यहाँ पे आपको कोई कोठी यहाँ पर कोई वो नहीं दिखेगा। मोस्टली यहाँ पे सारे 99.9% समझ लो आपको सारे अपार्टमेंट्स ही मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छे अपार्टमेंट्स बने हुए। वहाँ से आने के बाद में थोड़ा चाय का मूड बन गया मेरे को बारिश देख के, तो अब चाय पीने लगूँगा गाइस, अदरक वाली चाय। मज़ा आ गया अपना मूड वाली चाय के साथ ज़्यादा, ग्रीन टी ग्रीन टी मेरे को समझ आती है गाइस, अदरक वाली चाय पी के मज़ा आ गया। पंजाबी का माहौल ही सारा जो होता है ना, चाय से ही होता है। दूध वूध सामने काटी पसंद आता है। बाहर चल रही हो बारिश और साथ में हो तुम्हारे हाथ में चाय, इसकी तो बात ही क्या है, निराली ये बात है। तो बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है गाइस और बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे ये मौसम, मेरा फेवरेट मौसम है। बट घर बैठे हो तो पी के, मैं अभी थोड़ा काम करने आया हूँ और काम करके थोड़ा सा अपना आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। ये थोड़ा मेरा ऑफिशियल वर्क था अपना काम का, तो काम करके मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। टेक केयर, आज के लिए इतना ही। कल आपको मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज कुछ चारक दिखाया नहीं, बट ये है कि आपको रोहिणी की जितनी भी मार्केट है नियर बाय वो सारी एक्सप्लोर कराई मैंने, और कैसी मार्केट की कंडीशन थे सारी, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव हैं वो बाहर अब्रॉड में बैठे हैं, यूएस यूके में कनाडा में, उनको भी दिखाना होता है कि कैसा कैसा हमारा रोहिणी का सिस्टम या माहौल है, फिर बाहर दिल्ली का कैसा माहौल है। तो वो मैंने उनको एक्सप्लोर कराया, और मिलते हैं आपको कल एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और हाँ अपनी फैमिली के साथ स्टे हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए गाइस।